फेविकॉल, फेविकॉल, फेविकॉल। एक ऐसा सॉन्ग जिसमें आप चाहेंगे कि मलाइका को पिक्चराइज करना आप चाहेंगे? फेविकॉल, फेविकॉल, फेविकॉल। करीना कपूर पर पिक्चराइज किए गए जिस फेविकॉल सॉन्ग की पॉपुलैरिटी नए रिकॉर्ड्स बनाने की तैयारी कर रही है, उसी फेविकॉल से चिपकती दिख रही है एक बड़ी कंट्रोवर्सी, और ये कंट्रोवर्सी है अरबाज खान के धर्म संकट की। ये कंट्रोवर्सी इतना इशारा भी कर रही है कि हो ना हो खुद खान फैमिली में करीना और मलाइका में से किसी एक को फेविकॉल के लिए चुनने में कुछ ना कुछ तो खींचतान जरूर रही है, जिसका सबूत एक बार फिर मिला जब जूम ने उनसे सवाल किया एक ऐसे फेवरेट सॉन्ग को लेकर जिसे वो मलाइका पर पिक्चराइज करना चाहेंगे। एक ऐसा सॉन्ग जिसमें आप चाहेंगे कि मलाइका को पिक्चराइज करना आप चाहेंगे? फेविकॉल। और इस सबूत पर खुद मलाइका ने भी एक राहत भरा रिएक्शन देकर अपनी मोहर लगा दी। करीना के फेविकॉल सॉन्ग पर मलाइका को पिक्चराइज करने की बात ने जितनी राहत मुन्नी को दी है, उतना ही डिलेमा उन्होंने एक अवार्ड्स नाइट में दिखाया फेविकॉल पर परफॉर्म करने की बात पूछे जाने पर। पर कुछ देर सोचने के बाद आए मलाइका के इस जवाब ने तभी सबको ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि कहीं ना कहीं खुद खान फैमिली में फेविकॉल को लेकर कुछ क्रिएटिव डिफरेंसेस तो नहीं रहे, क्योंकि मुन्नी की सक्सेस के बाद दबंग 2 में कोई बड़ा आइटम सॉन्ग डाला जाना कोई मामूली बात नहीं थी, वो भी तब जब सलमान खान की कुछ पिछली फिल्म्स के आइटम नंबर्स में दिखने वाली एक्ट्रेसेस को एक सॉन्ग से ही बड़ा फायदा हुआ है। Nobody knew me more, like for so much time after Veer. I would say that what Veer couldn't do for me, character dealer has done for me. सलमान खान के साथ किसी भी आइटम नंबर में फीचर होना एक्ट्रेसेस के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी तो बन ही गया है, और ये भी प्रूव हो गया है कि सलमान के साथ किसी बड़े आइटम नंबर में आने का मौका कोई आसानी से छोड़ना नहीं चाहता। दूसरी तरफ इस बात का फर्क ना के बराबर ही पड़ता है कि उनके साथ मुन्नी है या शीला, लेकिन इस बार शायद उस होम प्रोडक्शन फिल्म दबंग 2 का मैटर था जिसके प्रीक्वल ने बड़े रिकॉर्ड्स बनाए थे, और शायद इसीलिए दबंग 2 में मुन्नी की मोनोटनी तोड़ने के लिए सलमान ने फिल्म में करीना को चिपका दिया, वो भी फेविकॉल से। लेकिन प्रोड्यूसर के साथ साथ डायरेक्टर होने के नाते लगता है उन्हें भी सलमान की उसी मार्केटिंग स्ट्रेटजी में शामिल होना पड़ रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर करीना की जगह मुन्नी को फेविकॉल से चिपकाने की उनकी चाहत अब भी बाकी है। एक ऐसा सॉन्ग जिसमें आप चाहेंगे कि मलाइका को पिक्चराइज करना आप चाहेंगे? फेविकॉल। यानी अरबाज किस धर्म संकट में हैं ये अंदाजा तो आपको लग ही गया होगा, एक तरफ बीवी और दूसरी तरफ भाई, ऐसे में अरबाज भाई की तकलीफ का अंदाजा कोई भी लगा सकता है। फिर ये भी है कि कम से कम मलाइका के सामने अगर वो फेविकॉल सॉन्ग में अपनी मुन्नी को फिट करने की अधूरी चाहत नहीं बताएंगे तो ये भी हो सकता है कि मलाइका की जगह किसी और को फेवर करने पर उन पर ही कुछ ऐसा इल्जाम लग जाए। चेतना सिंह, जूम, मुंबई।